10 करोड़ खर्च कर मेकर्स ने बनाई ऐसी फिल्म। पैसों की बारिश में डूब गया था बॉक्स ऑफिस। अमिताभ सलमान का बजा था डंका। जी हाँ, 3 अक्टूबर 2003 को सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने सभी को रुला दिया था। अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिला था कि ये साल 2003 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। तो चलिए आपको इस फिल्म के बारे में विस्तार से बताते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम होगी, क्योंकि उन्होंने अपने दमदार अभिनय से बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ऐसी फिल्में दी है जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। हालांकि उनका फिल्म में काफी उतार चढ़ाव भी रहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही माननी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल किया और आज भी वे अपने दमदार अभिनय का जलवा पर्दे पर दिखाते रहते हैं। बता दें, वे पिछले 5 दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। लोग उनके अभिनय के कायल हैं और उनकी फिल्मों के इंतजार में बैठे रहते हैं। आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2003 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ साथ ही छा गई थी, और उस फिल्म का नाम है बागबान। जी हाँ, ये अमिताभ बच्चन की ऐसी फिल्म है जिसे लोग आज भी बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं। फिल्म में एक परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसमें पिता अपने काम से रिटायर होने के बाद जब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है तो बच्चे अपने पिता और माँ को बांट देते हैं और बारी बारी से बच्चे उन्हें अपने साथ रखते हैं। और जो इंसान अपने जॉब के दौरान कभी अपनी पत्नी से अलग नहीं रहा और रिटायरमेंट के बाद बच्चे उन दोनों को अलग अलग रखते हैं, तो उस इंसान का दर्द जिस तरह से पर्दे पर दिखाया गया वो हर एक इंसान को रुला देने वाला था। बता दे, बागबान एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी जो रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित थी, सह लिखित और बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित थी। यह एक बुजुर्ग जोड़े राज अमिताभ बच्चन और पूजा हेमा मालिनी की कहानी बताती है, जिनकी शादी को 40 साल हो गए हैं। राज के रिटायरमेंट होने के बाद वे अपने 4 बेटों अमन वर्मा, समीर सोनी, साहिल चड्डा और नासिर खान के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कि कौन उनको अपने साथ रखेगा। कोई भी बेटा माता पिता दोनों की देखभाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जिसके कारण राज और पूजा अलग अलग रहते थे। इस फिल्म में सलमान खान की भूमिका लोगों को काफी पसंद आई है, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन द्वारा गोद लिए हुए बेटे की भूमिका जो निभा रहे थे, जो अंत में अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं। तो इसी के अनुसार इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई 43.11 करोड़ हुई थी। तो आज ही क्या आप ये फिल्म देखना चाहेंगे, बागबान? जी हाँ, अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये फिल्म ज्यादा पसंद आई है तो।